राधे राधे। अध्यात्म मीडिया आपके लिए लेकर के आया है वेणुकूप। वेणुकूप भांडीरवन वेणुकूप, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से यह कूप बनाया था और सभी तीर्थों के जल का इसमें आवाहन किया था ठाकुर जी ने। आज भी यहाँ के पुजारी जी से बातचीत हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि सोमवती अमावस्या के दिन इस कूप के जो जल हैं ये दूध की तरह हो जाते हैं, मतलब सोमवती अमावस्या के दिन इसमें दूध की धार सी आती है और बड़ी सुंदर, और जल की जो स्वाद है अपने आप में एक बहुत सुंदर स्वाद है चरणामृत की तरह। तो ये वेणुकूप है, भगवान श्री कृष्ण ने इसको बनाया था और सभी गोपग्वाल गोपियों के लिए सभी तीर्थों का जल इसमें आवाहन किया था। और ये है सामने भगवान श्री कृष्ण के पगड़ी स्थल, जहाँ भगवान जब भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ जब विवाह हुआ था तो उस समय जो दूल्हे का जो पगड़ी को प्रवाहित किया जाता है या सवा महीना के बाद जो भी रस्म है अपने 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 हिसाब से, तो उस पगड़ी को यहाँ पे रखा गया था कूप के पास। आप देख रहे हैं भांडीरवन वेणुकूप सोमवती अमावस महापर्व पर सभी तीर्थों का आगमन, तो सिद्ध मनोकामना तीर्थ है यहाँ पर। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएँ जिसको पुत्र नहीं होते हैं, जिसके शादी नहीं होते हैं लड़के की या लड़कियाँ की, वो यहाँ आकर के स्नान करती हैं इस कुएँ के जल से और उनको संतान होता है। और यहाँ देख रहे हैं गोबर के, गाय के गोबर से जो स्वास्तिक है बनाए जाते हैं, हर तरह के पितृदोष विवाह नहीं होना, बच्चे नहीं होना। और ये पुजारी जी बता रही है सिद्ध स्थल यहाँ होना ही है, मनोकामना यहाँ पूर्ण होना ही है। आप देख रहे हैं जाने कितने भक्तों ने अपने मनोकामना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा है और ठाकुर जी ने, ठाकुरानी ने सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और यह भांडीरवन है वेणुकूप स्थल और भांडीरवन से आप दर्शन कर पा रहे हैं वेणुकूप का। अध्यात्म मीडिया के साथ आप इस कूप का निर्माण भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से किया था, इसलिए वेणुकूप का नाम से यह जाना जाता है। प्रसिद्ध स्थान है भगवान श्री कृष्ण के समय का। यहाँ पर तमाम दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए भी आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, राधा रानी के। यहाँ पे पति पत्नी साथ आते हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और ये आप भी आएँ वृंदावन में तो भांडीरवन अवश्य आएँ और भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। राधे राधे। अध्यात्म मीडिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।